बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में मैगी नूडल्स बना रहे हैं, वेजिटेबल में बनाएंगे इसको, और इसमें हम थोड़ा सा सूप भी रखेंगे। तो मैं इसको बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्द तैयार कर लूँगी, तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हम मीडियम साइज़ की एक प्याज ऐड कर देंगे। तो फ्लेम मैंने लो रखा है, जैसे ही प्याज जो हमारी गोल्डन ब्राउन होगी हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। इसमें हम लहसुन ऐड कर देंगे, 2 कलियाँ की मैंने लहसुन भी ली है। अब इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे, 2 मिनट मीडियम साइज़ के टमाटर भी हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अब इसमें हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देते हैं, 1/2 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, 1 पिंच हल्दी, 1 पिंच सूरत मिर्च, इसे मिक्स कर लेते हैं। हाफ टी स्पून नमक, 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें बॉईल की हुई हम वेजिटेबल डाल देंगे, मैंने गाजरें और आलू लिए हैं, आप अपनी पसंदीदा वेजिटेबल ले सकते हैं। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं। इसमें हसबे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे। इसमें 2 साशे मैगी मसाले के डाल देंगे। पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है, अब इसमें मैगी नूडल्स ऐड कर देंगे। दो मिनट के लिए इसको कवर करेंगे। अब इसकी साइड चेंज कर देते हैं। फिर से कवर कर देंगे इसको। तकरीबन 8 मिनट हो गए हैं, मैगी नूडल्स चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये रेडी हो चुकी है, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। व्यूअर्स, तैयार है हमारी वेजिटेबल सूप मैगी नूडल्स, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को थम्स अप करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।